शिवपुरी पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शराब के परिवहन को रोकने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हाथरस पुलिस अधीक्षक संजीव मूल्य, नगर पुलिस अधीक्षक अजय भार्गव के मार्गदर्शन और मुखबिर द्वारा मिली सूचना के तहत नोहर कलाब बंजारा बस्ती में अवैध रूप से कच्ची शराब बेची जाने की सूचना मिलने पर कोतवाली TI विनय यादव ने तत्काल एक टीम बनाकर मुखबिर के बताए गए स्थान पर पहुंचाई और सफलता हाथ लगी। नोहरी बंजारा बस्ती से 70 लीटर कच्ची शराब जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल पहुंचाया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। शराब पकड़ी है, आज थाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ग्राम मनियर के पास बंजारा बस्ती में अवैध देसी हाथ की बनी हुई शराब की बिक्री की जा रही, जिस पर से आज थाना कोतवाली की टीम के द्वारा दबिश देकर बंजारा बस्ती से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 65 लीटर हाथ की बनी भट्टी से कच्ची शराब को जब्त किया है, जिसके विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें वैसे अकेला तो नहीं हुआ, इतनी 65 लीटर भारी मात्रा में मिली, तो क्या इसमें बंजारे लोग अपने परिवार के साथ मिलकर बनाते हैं, ऐसी सूचना थी, परंतु आगे भी इसकी तस्दीक की जाएगी। अगर अन्य लोग शामिल होंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कीमत करीबन 80,000। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।